नमस्कार दोस्तों, तांसी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भिंडी की भुजिया तो आपने बहुत बनाया होगा और खाया होगा। एक बार यह चारी भिंडी की रेसिपी बनाकर और खाकर देखिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चारी भिंडी बनाने के लिए मैंने भिंडी को अच्छे से धुल लिया है और ऊपर और इसके नीचे भाग को मैंने कट कर लिया है। तो अब हम भिंडी को ऐसे कट करेंगे। भिंडी को हमें ज़्यादा पतला नहीं काटना है, मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है ऐसे। तो सभी भिंडियों को हम काट लेंगे। ये देखिए, ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काटना है। तो ये देखिए, सभी भिंडी हमारी कट चुकी है। ये देखिए, हमें ऐसे पीसेस में कट करना है मोटे मोटे। चलिए अब रेसिपी को बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मेथी दाना डालेंगे, 3 हरी मिर्च डालेंगे टुकड़ों में काट कर, हींग डालेंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम भिंडी को डालेंगे और अच्छे से भिंडी को भूनेंगे तेज आंच पर। तो भिंडी को हमें अच्छे से भून लेना है जिससे ये चिपचिपा नहीं रहेगा। ये देखिए, भिंडी हमारी भून रही है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, तो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो भिंडी को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, भिंडी हमारी भून रही है। तो हल्के हाथों से भिंडी को मिलाना है, नहीं तो भिंडी टूट जाएगी। ये देखिए, मैं कितने हल्के हाथों से भिंडी को मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोग को भी ऐसे ही हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखिए, भिंडी हमारी धीरे धीरे भून रही है। खूब अच्छे से भिंडी को भून लेना है। अब इसमें हम लहसुन को हमने कूट के रखा था वो डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भिंडी हमारी लहसुन के साथ अच्छे से भून रही है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच अचारी मसाला डालेंगे। ये मैंने घर पे बनाया है, आम के अचार का मसाला है ये। तो इसकी इस मसाले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उसे देख के ये मसाले बना सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये आम के अचार में जो मसाला पड़ता है ना, बस वही वाला मसाला है। अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम मिला लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए धीमे आंच पे ढक देंगे कि भिंडी अच्छे से और कुरकुरी हो जाए। तो ये देखिए, भिंडी हमारी अच्छे से भून रही है। ये देखिए, तेल भी छोड़ दिया है भिंडी ने और मसालों ने। इसे 2 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे। तो ये देखिए, भिंडी हमारी अच्छे से पक गई है। तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए, भिंडी अचारी भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी और इजी रेसिपी है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है और ये दाल चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।